लाल सिंह चड्ढा की हालत देख आमिर खान से ज्यादा परेशान हुए शाहरुख खान। जनवरी 2023 में रिलीज होने वाली शाहरुख खान की फिल्म पठान का अभी से शुरू हुआ विरोध। अपकमिंग फिल्म पठान का विरोध होता देख शाहरुख खान की उड़ी नींद। शाहरुख खान को डर कहीं लाल सिंह चड्ढा जैसी न हो जाए पठान की हालत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप होती नजर आ रही है। बता दें कि लाल सिंह चड्ढा ने अपने ओपनिंग डे पर 11.5 करोड़ का बिजनेस किया था। इसके बाद दूसरे दिन तो फिल्म की कमाई ऐसी औंधे मुंह गिरी कि सभी को ताजुब हुआ। दूसरे दिन फिल्म ने मात्र 7.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, तो वहीं बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने तीसरे दिन केवल 8 करोड़ का बिजनेस किया। यानी साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा पर बायकॉट का पूरा असर हो चुका है और यही वजह है कि आमिर खान की ये मोस्ट अवेटेड फिल्म धराशायी हो गई। ऐसे में इस बात की जितनी चिंता आमिर खान को है उससे कई गुना ज्यादा चिंता शाहरुख खान को है। दरअसल बायकॉट लाल सिंह चड्ढा के बाद अब ट्विटर पर बायकॉट पठान शुरू हो चुका है। ट्विटर यूजर लगातार फिल्म पठान को लेकर ट्वीट कर रहे हैं और उसे बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि साल 2023 में शाहरुख की पठान, जवान और डंकी तीन फिल्में आने वाली हैं, जिसमें से पठान फिल्म का बायकॉट अभी से ट्रेंड होने लगा है। हालांकि फिल्म को आने में अभी काफी समय है, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म को बायकॉट किया जा रहा है ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस फिल्म का बड़े लेवल पर बायकॉट किया जा सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का किया गया। बता दें कि अगले साल 25 जनवरी को फिल्म पठान रिलीज होगी। फिल्म में SRK के साथ दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में हैं। शाहरुख खान की लंबे अरसे से कोई फिल्म नहीं आई है, इसलिए शाहरुख खान के फैंस को पठान फिल्म का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन फिल्मों के बहिष्कार की नई संस्कृति से फिल्म उद्योग काफी चिंतित है। बता दें कि शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान का विरोध इस वजह से भी किया जा रहा है क्योंकि इस फिल्म में मुख्य भूमिका में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण है और दीपिका पादुकोण पर यूजर्स का कहना है कि इन्हें तो टुकड़े टुकड़े गैंग पसंद है। ऐसे में अखंड भारत की सोच रखने वाला व्यक्ति इनकी फिल्म देखने क्यों जाए। हालांकि अब इस बात का इंतजार है कि क्या आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की तरह पठान का भी हाल होने वाला है। क्या आप इस फिल्म का बायकॉट करेंगे या फिर इसे देखने थिएटर में पहुंचने वाले हैं? क्या आप शाहरुख खान के फैन हैं या फिर उनकी फिल्मों का विरोध करने वाले हैं? कमेंट में आप अपनी राय हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।